मैं आपको सीधे लेकर चलता हूं यहां पर। एक चीज जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे ऐसा नहीं कह सकते डॉक्टर गुलेरिया ने कहा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वायरस बदला नहीं है इसलिए तीसरी लहर खतरनाक होगी यह भी जरूरी नहीं है। अभी तक बच्चों पर कम ही असर हुआ है, कोमॉर्बिड बच्चों को ही एडमिट करना पड़ा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, आप मेरे साथ कुमार कुंदन है जिन्होंने इसको कवर किया था कल। कुमार कुंदन, यह भी डाउट है कि तीसरी वेव नहीं होगी, क्या यह भी डाउट है? देखिए, अभी तक इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि तीसरी वेव आएगी तो कौन सी आएगी, उसका वेरिएंट कौन सा होगा और ऐसा कौन सा वेरिएंट होगा जो बच्चों पर ही सबसे अधिक प्रभावित करेगा और बच्चों को प्रभावित करेगा और बड़ों को कुछ नहीं करेगा, ऐसा मतलब बहुत ही ये संभावनाएं दिखती है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिखता। डॉक्टर गुलेरिया जो कुछ भी बोल रहे हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एम्स में पब्लिक हेल्थ कमेटी के जो HOD हैं डॉक्टर संजय राय, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। उनका भी साफ कहना था कि जो तीसरा वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें इस बात के कौन सा ऐसा सबूत है जो कि बड़ों को होगा और बच्चों को नहीं होगा, इसलिए ये एक एजम्पशन है कि बच्चों को हो सकता है, बच्चों पे सबसे ज़्यादा भारी होगा। लेकिन जो सीरो सर्वे और दूसरी चीज़ें बता रही है, अभी अगर सेकेंड वेव चल रहा है, अभी बताइए राजस्थान में बच्चे जो है संक्रमित हो रहे हैं, दिल्ली में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, तो जब बच्चों का संक्रमण भी बड़ों के संक्रमण के तहत ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें माइल्ड है लेकिन संक्रमित तो हो ही रहे हैं। और खास करके ऐसे बच्चे जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है उनके लिए तो एक काल हो रहा है, जो बच्चों जिन बच्चों में कैंसर है, थैलेसीमिया है या मल्टी ऑर्गन की कई सारी डिजीजेज हैं, उन बच्चों के लिए अभी भी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है अगर सेकेंड वेव की भी बात करें। इसलिए जो डॉक्टर गुलेरिया या डॉक्टर संजय राय या जो कोई भी एक्सपर्ट बता रहे हैं थर्ड वेव की बात, उनका साफ कहना है कि अभी तक थर्ड वेव के वेरियंट का पता नहीं है। दूसरी बात, ये पता नहीं है कि कौन सा वेरिएंट होगा जो सिर्फ बच्चों को परेशान करेगा, बड़ों को वो छोड़ देगा। तीसरी बात, ये एक एजम्पशन है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि थर्ड वेव के नाम पे अगर देश में कुछ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो ये हमारे आपके लिए सुकून की बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कुछ ऐसी परेशानी आती है अचानक से हाय तवा मचता है और उस समय हम हाथ पे हाथ धड़े खड़े रहते हैं। निशान फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।